हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 49 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले 48 क्वेश्चन तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाकर उसको देखें, उसका फायदा उठाएं। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अपने मेरे चैनल पर नए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को अपने मित्रों को शेयर करिए। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है द प्राइस ऑफ टू टेबल इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ फाइव चेयर। लिख सकते हैं टू टेबल इज इक्वल टू फाइव चेयर के बराबर होगा। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ द पर्सन परचेज 10 चेयर एंड 10 टेबल्स, कह रहा है 10 टेबल प्लस 10 चेयर इज इक्वल टू 7000 रुपीज़। 7000 रुपये का 10 चेयर और 10 टेबल और 10 चेयर खरीदता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, या तो इस इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो इन दोनों का रेशियो निकाल। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए टेबल का क्या हो जाएगा 5, अगर टी रेशियो से करेंगे तो इसके आगे वाला जो होता है वो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और चेयर का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास टेबल और चेयर का जो रेशियो आया है 5:2 आ गया, इसको x लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल की जगह सारी वैल्यू रख के टेबल और चेयर का रेशियो निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं टू टेबल के बराबर, यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा टू टेबल प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 चेयर। 2 टेबल प्लस 2 चेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 5 और ये हो जाएगा 5×20 1400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 2 टेबल की जगह हम लोग 5 चेयर लिख देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारा बन जाएगा 5 चेयर और यहाँ पे 2 चेयर इज इक्वल टू 1400। जैसे इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 चेयर इज इक्वल टू 1400 रुपीज़। तो एक चेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपये आ गई। एक चेयर की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये आ गई। आसानी से समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो एक चेयर की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये आ गई। तो जैसे ही चेयर की वैल्यू आई इसी क्वेश्चन पुट कर लीजिए, तो 2t इज इक्वल टू 5c, तो 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5×cc का मतलब 200/2, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 100। तो जो टेबल की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 500 रुपये आ गई है। अब हमारे पास वैल्यू समझ में आ गई कि चेयर की वैल्यू 200 है और टेबल की 500, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। कितने का पूछा है 2 चेयर और 5×4 टेबल का, तो 2 चेयर 2c माने 200 रुपये, ठीक है, प्लस 5×4 टेबल, तो 4×500, बस इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 5×20 2000 और इसको जोड़ेंगे तो 2400 रुपये 2 चेयर और 4 टेबल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे टेबल की कितना हो गया 5x है, इसका इतना है, ठीक है। इसको लिख देते हैं टेबल अप रख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे क्या हो जाएगा 5x लिख लेंगे, ठीक है, 5x प्लस 10 चेयर, तो 10 चेयर मतलब 2x इज इक्वल टू 7000, ठीक। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x, सेकेंड मेथड है ये, सेकेंड मेथड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50x हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा 20x इज इक्वल टू कितना आ गया 700 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 70 आ जाएगा, यह जाके 100 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो अब यहाँ रख लीजिए टेबल का जो चेयर का 200 हो गया, यहाँ रख लीजिए चेयर का टेबल का 500 और चेयर का 200 आ गया। x की वैल्यू ने 100 निकाल ली, बात खत्म हो गया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, इस तरीके से भी आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे आप लगाएंगे दो चेयर का कितना हो जाएगा 400 और यहाँ के हिसाब से एक टेबल का 500 है, तो 4 टेबल का कितना हो जाएगा 2000, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, कई मेथड इसको करने के, आप एक दो मेथड मैं बता दिया, दोनों मेथड आप आसानी से समझ गए होंगे और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बस इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट किया गया है क्वेश्चन पिछले एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है और आपके लिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ करके इसको रिप्लाई इसको जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।